रामपुरा तहसील मुख्यालय के ग्राम देवरान व आसपास चोर गिरोह सक्रिय है, जो आए दिन किसानों के विद्युत मोटर पंप, स्टार्टर पाइप व मोटरसाइकिल व अन्य चोरियां करते रहते हैं। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी पिछले दिनों ही गांव देवरान से दुकान बंद करके सालियाखेड़ी जा रहे अशोक पोरवाल के ऊपर रात्रि 9 बजे करीब धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर जेब में रखे 15,000 रुपये की नगद राशि लूट ली गई थी और धारदार हथियार जानलेवा चोटें भी पहुंचाई गई थी। नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस ने चोरों को धारा 151 में कायमी करके छोड़ने की कोशिश की है, जबकि उक्त आरोपी गण पर धारदार हथियार से जानलेवा चोट करने से आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 भादवी के तहत कायमी की जाना चाहिए। इनका गिरोह नीमच में रह रही देवरान की महिला, जिसका नाम शायरी भील है, जो इसके गिरोह का संचालन करती है। ये देवरान गांव का मामला है। 3 तारीख को देवरान गांव के एक व्यक्ति के साथ में घटना कारित हुई थी, मारपीट की, जिसमें जो है रिपोर्ट कायम की गई थी, जिसमें गांव के लोगों को द्वारा जो है पुलिस की कार्रवाई में जो है असंतोष व्यक्त किया गया था, जिसमें मेरा गांव वालों से ये कहना है कि हम जो है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो मिलने वाली सूचना है उस मिलने वाली सूचनाओं के हिसाब से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके पीछे और भी जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जो है जानकारी निकाल के उनको भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई से सजा दिलवाई जाएगी। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इसाक की रिपोर्ट।